पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज हर वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पूर्व डीएमसी गोविंद राव खेरनार से हमारे संवाददाता कमलेश वैष्णव ने खास बातचीत की बीएमसी के पूर्व डीएमसी गोविंद राव खेरनार से। हमारे साथ खड़े एक्स डिप्यूटी कमिश्नर म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री गोविंद राघव खेरनार, अब मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ श्री गोविंद राघव खेरनार जी से। गोविंद राघव जी खेरनार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल के लिए, और आप जरा कुछ विस्तार पूर्वक से बताइए कि एक समय मुंबई में आप यहाँ के जाने माने कमिश्नर थे, काफी दिनों से आप चर्चा में नहीं थे। बीच में एक भूकंप आने के समय पे आपको एक एनजीओ के द्वारा कच्छ में भेजा गया, उसके बाद से काफी दिनों से आपको हम रूबरू कर रहे थे हमारे दर्शक थे, तो जरा आप अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। अच्छा, मैं गोरा खेरनार यानी जी आर खेरनार हूँ। मुंबई में 36 साल मैंने सेवा की है और खास करके महानगर पालिका में 26 साल की मेरी सेवा है। बहुत ईमानदारी से, कर्तव्य भावना से और केवल लोगों को मदद करने के दृष्टिकोण से मैंने काम किया है। ऊंची पद पर होने के बावजूद भी अभी 36 साल मैंने बहुत अच्छे पोस्ट पर काम किया, अच्छा तनख्वाह पाया, परंतु रिटायरमेंट के बाद मेरे पास घर नहीं था। उसी समय एनआरआई ट्रस्टीज है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि गुजरात में अभी भूकंप आया है, हम आपकी मदद चाहते हैं, हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। अमेरिकन लोगों का उनको सहायता मिलती थी और पूरे देश के लिए हमें काम करना है, ये उनका इरादा था। तो मैं फिर यहां से वहां चला गया, वहां रहने की खाने पीने की सब व्यवस्था उनकी थी। तीन साढ़े तीन साल तक मैंने वहां काम किया, भूकंप पुनर्वसन का काफी गांव बनाए, काफी सहायता प्रदान की और खास करके अमेरिकन लोगों ने जो मदद दी थी उनके लिए एक पूरा गांव का निर्माण किया गया। बहुत सारे ट्रस्ट मेरे साथ जुड़ गए, संस्था जुड़ गई, बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ। वो काम पूरा होने के बाद तीन साल के बाद मैं मुंबई में आया। बीच में थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, काम एक्टिव नहीं रहा, परंतु अपना घर खुद का नहीं है, डर सताता रहा। मेरी मिसेज काफी नाराज रही कि आप उपायुक्त तो करके काम किया हो, इतना नाम कमाया हो, इतनी ऊंची पद पर गए हो, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनाया, क्या आप मेरे लिए एक घर भी नहीं दे पाए हो, दे नहीं सकते हो, तो तुम्हारी उपायुक्त की जरूरत क्या फायदा है। तो फिर मैंने एक प्राइवेट निजी अमेरिकन कंपनी में सेवा करना पसंद किया, अच्छी तनख्वाह मिली, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी और अभी भी निजी काम सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं, जिसके कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हुई। मेरी पत्नी जो नाराज थी वो भी थोड़ी खुश हो गई और हमारा परिवार, घर परिवार अभी बहुत सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं भी काफी एक्टिव निजी जीवन में हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल पैसे के लिए काम करता हूं। बहुत सारे दिन भर लोग आते हैं, खास करके झोपड़पट्टी वाले लोग आते हैं, जो सोसाइटी के कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके पदाधिकारी आते हैं सेमिनार के लिए। कई हजारों संख्या में इन लोगों को प्रवचन में देता हूं, ये पुनर्विकास या पुनर्निर्माण के बारे में जो भी कानून वगैरह है वो समझाता हूं। और काफी स्लम के लोग जो बिल्डर के बारे में अविश्वास उनको पैदा हो गया है वो मेरी सहायता लेते हैं। देश में चारित्र का अभाव बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, भ्रष्टाचार भी फैल रहा है, परंतु आज अभी जो एक तरह का आंदोलन है वो आंदोलन प्रजातंत्र के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, बराबर नहीं है, परंतु वो आंदोलन के कारण भ्रष्टाचार के विरोध में हमारी जो जन चेतना पैदा हुई है बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण ये लोकपाल बिल आ रहा है। और यदि सशक्त लोकपाल बिल जल्दी से जल्दी आता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लोगों पर जो मजबूरी से भ्रष्टाचार करना पड़ता है, जो मजबूरी के कारण हम चारित्र हमारा का अभाव बन रहा है, वो वापिस हमारे समाज में वापिस आएगा। भ्रष्टाचार से हम दूर होंगे जरूर, और हमारा देश का विकास जिस गति से हो रहा है, अगर मनमोहन सिंह जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री है बहुत ईमानदार नेक आदमी है और सही मायने में जनता की उनको एक तमन्ना है जनता हित करने, जनता का हित करने का, और हमारे देश ने जो 20 साल प्रगति की है और आगे चलकर 10-15-20 साल में मुझे पूरा भरोसा है
कि हमारी स्थिति इतनी मजबूत बन जाएगी अगर हम इसी ढंग से काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी गरीबी और ये जो क्राइम है वो रेट काफी कम हो जाएगा, गरीबी करीबन खत्म होने की संभावना है। और मैं देशवासी को, हमारे नवयुवा को ये विनती करता हूं कि हम हमारे देश को महान बनाने के लिए इसी तरह जुटे रहे, काम करें, हो सके उतना भ्रष्टाचार से दूर रहे, तो हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी, एक अच्छा समाज, एक सशक्त देश हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछता हूं। सर, जो अभी मुहिम चली है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सर आप इसमें अन्ना हजारे के साथ पूरी तरह से आप उनके साथ हो? नहीं, अन्ना जी को मैं बहुत अच्छी ढंग से जानता हूं। उपायुक्त के नाते मैंने अन्ना को ऑफर दी थी 1992-93 साल में कि मैं मेरी नौकरी छोड़कर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रेस में जैसा आया था कि अन्ना है इस समय के गांधी है और उन्होंने अपना गांव आदर्श बनाया है, तो मेरा इच्छा था कि अगर अन्ना के साथ काम करके अन्ना ने एक गांव बनाया, हमारे देश में हजारों गांव है, उनको आदर्श बनाया जाए तो मेरी सेवा ज्यादा उपयुक्त होगी। इसलिए मैं अन्ना को ऑफर दिया था कि मैं साथ में काम करता हूं, नौकरी छोड़ता हूं। परंतु मैंने अन्ना को जो ऑब्जर्व किया तो मुझे काफी धक्कादायक चित्र लगा, और उनका जो तरीका था काम करने का, जो ढंग था, वो इतना अनोखा था, और उसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कि क्षण भर में उनके साथ काम कर सकता हूं। तब से मैंने अन्ना से मैं दूर गया। अन्ना ने मुझे सलाह दी थी जब मैं पवार के विरोध में मेरा अभियान चल रहा था, क्योंकि पवार मुख्यमंत्री के नाते भ्रष्टाचार से जिम्मेदार है, और जो क्रिमिनल यहां गुंडे वगैरह दाऊद इब्राहिम जैसे गुंडे यहां काम कर रहे थे, उनके लिए भी ये वही जिम्मेदार है, ऐसा मानकर मैंने उस पर काफी टीका की थी। लोगों में एक चेतना पैदा हुई थी। तब मुझे अन्ना हजारे ने, शरद पवार एक अच्छे सदग्रस्त है, उनके विरोध में ऐसा बात करना ठीक नहीं है, तो आपने पवार के विरोध में प्रवचन नहीं देना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, सलाह दी थी। जब मैंने बाद में ठाकरे जी को रावण की उपमा दी और उनके बारे में जो मैंने बुरा कहा जाहिर ढंग से, तभी भी मुझे अन्ना ने सलाह दी थी कि ठाकरे ऐसे ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति है जो महाराष्ट्र में, अगर वो अकेले एक ऐसे व्यक्ति है कि जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं, अब उनके विरोध में बात नहीं करना चाहिए। तो ये उनका जो विचार या उनकी जो सोच है और देश की समस्या के बारे में उनको जो समझ है, मुझे लगा कि ये आदमी देश हित के लिए काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने अन्ना के साथ जाने का मन नहीं बनाया और मैंने छोड़ दिया। सर, आपको भी जैसे मीडिया में बात आ चुकी है कि अन्ना जी ने जो भी काम किया उनकी एनजीओ पे भी आरोप लगते गए और अन्ना जी को लोग जो गांधीवादी करते, जैसे बीच में शरद पवार साहब को एक तमाचा मारा था तो उसमें भी उनका कमेंट बिल्कुल गांधीवादी नहीं था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अन्ना, आप प्रचार माध्यम अन्ना को गांधीवादी बोल रहे हैं, लेकिन सही मायने में अन्ना गांधी नहीं है। आप उनका प्रवचन सुनिए, उनकी भाषा सुनिए, वो जो सरकार को धमकी देती है उनकी भाषा अगर हम सुनते हैं, तो ये पक्का है कि अन्ना हजारे जी गांधीवादी नहीं है। उल्टा मैं मनमोहन सिंह की प्रशंसा इसलिए करता हूं कि सच्चा महात्मा गांधी के बाद अगर देश में कोई गांधी कहा जा सकता है और जिसके लायक है, वो केवल मनमोहन सिंह जी है। उसने ये सब धमकी के बावजूद भी कांग्रेस का इसका इतना नुकसान होने की संभावना से ध्यान में रखते हुए अन्ना हमेशा कांग्रेस के विरोध में प्रचार करते हैं, ये सब सुनकर भी आज तक एक भी अपशब्द उसने कहीं कहा नहीं है, ना कभी अहिंसक शब्द उसने इस्तेमाल किया है, ना अन्ना के विरोध में कोई अभियान किया है। कांग्रेस अगर चाहती तो अन्ना को आंदोलन कुचलाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने करने नहीं दिया। तो सही मायने में इतना जेंटलमैन है, तो मैं देशवासियों को विनती करूंगा कि कम से कम मनमोहन सिंह के बारे में अफवाह मत फैलाए, एक बहुत ईमानदार अच्छा अधिकारी है, पंतप्रधान है और हमारे देश को आगे ले जाने में। सर, जिस हिसाब से अन्ना प्रधानमंत्री पे, सरकार पे लोकपाल बिल पास करने के लिए दबाव बना रहे, उससे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये कि अन्ना कहीं ना कहीं से अपने मतलब आर्थिक या लोगों का जो उन्हें समर्थन मिला है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे?
बिल्कुल अन्ना एक बहुत चालाकग्रस्त है, भले वो सातवीं आठवीं पास किया है और अपने पूरे जीवन में उनको खाली ड्राइवर की नौकरी की है, ड्राइवर करके वो रिटायर हुए हैं। और इसी शब्द के मैं आपका टीवी का धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया, धन्यवाद। बीएमसी में एक जमाने में इनकी तोती बोलती थी, लेकिन आपने सुना होगा उनके शब्दों से कि किस ईमानदारी के हिसाब से इन्हें क्या सरकार ने सहायता दी, कोई सहायता नहीं दी। आज स्वयं के बल पे रिटायर होने के बाद भी ईमानदारी से लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और अब हम ऐसे प्रशंसा करता हूं कि ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कमिश्नर श्री गोविंद राघव खेनार की, जिन्होंने अपने समय पे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकी भी परवाह ना करते हुए भी उनके भी साम्राज्य को ध्वस्त किया था। और ऐसी जरूरत आज भी हमारे बीएमसी के अधिकारियों को, ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि चैनल उनके माध्यम से बीएमसी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको ऐसे कर्तव्यनिष्ठ गोविंद राघव खेरनार से एक सबक लेना चाहिए और अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। मुंबई से चैनल 1 न्यूज के लिए कैमरामैन मुकेश रावत के साथ कमलेश वैष्णव।